हेलो फ्रेंड्स, फूड डिवाइन देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लौकी की थेपले कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं हमने लौकी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 कप मैंने आटा ले लिया है, करीब आधा किलो आटा है हमारा। आधा किलो हमने लौकी ले लिया है, लौकी को हमने अच्छे से धो के छील के फिर से हमने धो के रखा हुआ है। 4 चम्मच हमने तेल ले लिया है, करीब 100 ग्राम हमने यहाँ पे दही लिया है, 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है, 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप इसमें से चिली फ्लेक्स हटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ते चॉप कर लिया है, 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट ले लिया है, 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम थेपला बनाना। सबसे पहले हम घिया को 2 टुकड़ों में काट लेंगे, इससे हमारे कद्दूकस करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो घिया लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे और हमें लौकी के बाहर का कद्दूकस करना है, अंदर का जो सॉफ्ट भाग है इसे हमें रहने देना है, इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये जो सॉफ्ट भाग है हमारा, इसका आप सूप बना सकते हैं या इसका सब्जी बना सकते हैं आप, इसे फेंकिएगा नहीं। देखिए इस तरीके से हम अंदर का जो सॉफ्ट भाग है इसे हम रहने देंगे और बाहर का हम कद्दूकस करके ले लेंगे। देखिए हमने बाहर के भाग को कद्दूकस कर लिया है और अंदर का जो सॉफ्ट भाग है इसे हम अलग रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे और इसका हम अलग से रख देंगे, इसका हम सब्जी या सूप बना लेंगे। देखिए हमने सारे लौकी का कद्दूकस कर लिया है और ये जो बीज का भाग है इसे हमने अलग रख दिया है। तो चलिए अब हम थेपले के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, धनिया और जीरा पाउडर। अब थोड़ा सा हाथों से हम मिला लेंगे पहले। अब इसमें हम ये ऑयल डाल देंगे। ये अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, अब ये लौकी डालेंगे इसमें, मिला लेंगे। हम अभी
पूरा लौकी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें अभी इसमें दही भी डालना है, तो अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम ये लौकी यूज करेंगे। इसे आप अभी साइड में रख देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ये दही ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। हमें थेपले के लिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम दही मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमारा आटा पतला बन सकता है। थोड़ा सा और हम इसमें दही ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। बाकी जो हमारा थोड़ा सा दही बचा हुआ है ये भी इसमें हम मिला देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद के हमें तैयार करना है। हमारा आटा गूंद के तैयार है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने तैयार किया है। अब हम इसमें एक हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और आटे के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। अब हम आटा को आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये हमारा लौकी थोड़ा सा बच गया है, मैंने यहाँ पे आधा किलो लौकी लिया है, तो करीब हमारा 400 ग्राम या 350 ग्राम लौकी लेने से हमारा थेपले के लिए आटा तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप 300 या 350 ग्राम लौकी लेके कद्दूकस करके ले सकते हैं। आधे घंटे हो गया है हमारा, हमारा आटा भी बिल्कुल सेट है, देखिए एकदम सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें से लोइया काट लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उसी साइज का हम एक गोला ले लेंगे, हाथ से गोल कर लेंगे। मैंने एक प्लेट में आटा ले रखा है, आटे में यूं लपेटेंगे और इसे हम बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे जितना हो सके पतला बेल के तैयार करना है। और जब हमारा आटा चिपकने लगेगा तब हम इसमें थोड़ा सूखा आटा ऐसे लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड में आटा लगा लेंगे और इसे बेलेंगे हम। और थेपले को हमें सारे थेपले एक ही साइज में बनाना है। हमने एक गैस पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है। थेपले को हमें बिल्कुल पतला जितना हो सके हमसे उतना हम बेल के तैयार करेंगे। देखिए हमारा थेपला बेल के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। एक हमने तवा ले लिया है, तवा हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा तेल लगा लेंगे और थेपले को हम इस तरीके से रख देंगे। और हमें थेपले को बिल्कुल तेज आंच पे पकाना है।
हम इसे स्लो या मीडियम आंच पे नहीं पकाएंगे, इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में हमें पकाना है। अब हम ऊपर भी इसमें थोड़ा तेल लगा लेंगे। और थेपली को हम पलट देंगे एक करछी से। देखिए हमारे दूसरी तरफ बहुत अच्छे से सीका है। देखिए हमने दोनों तरफ से बिल्कुल ये हमारा कलर आने तक इसे हमने सेका है। देखिए हमारा दोनों तरफ अच्छे से सेक गया है। अब हम इसे रखने का तरीका बताते हैं आपको। एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर हमें इस तरीके का कटोरी रख लेंगे और ये पराठे जो हमारा बनके तैयार हुआ है उसे हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए हमें पराठे को इस कटोरी के ऊपर इस तरीके से रखना है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ थेपला। थोड़ा सा आटा लेंगे, इसे हम दोनों हथेलियों के बीच में रख के गोल कर लेंगे। देखिए अब हम इस आटे को सूखा आटे में लपटेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे हम बेल लेंगे। बहुत ही पतला बेल के हमें तैयार करना है और जहां हमारा आटा चिपकने लगेगा तब हम इसमें दोबारा सूखा आटा लगा लेंगे। और इस तरीके से हमें सारे थेपले बना के तैयार करना है। देखिए हमारा थेपले हमने बेल लिया है। अब इसे हम एक बार और आपको सेक के बताते हैं कैसे सेकना है इसे। तवा हमारा पहले से गर्म है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और थेपले को इस तरीके से रख देंगे और गैस को बिल्कुल तेज कर देंगे और इसे नीचे की तरफ सेकने तक अच्छे से तब तक हम इसे रखेंगे। ऊपर भी हम तेल लगा देंगे थोड़ा। ये थेपला आप 3-4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कहीं आपको बाहर सफर में जाना है तो ये थेपला आप बना के लेके जा सकते हैं। अचार के साथ या दही के साथ बहुत ही ज्यादा स्वाद लगते हैं इसको खाने में। देखिए एक बार और पलट देंगे और बिल्कुल हमारा ब्राउन होने तक, जैसे हम पराठे सेकते हैं उस तक हमें ब्राउन होने तक इसे सेकना है दोनों तरफ अच्छे से। हमारा इस तरफ सेक गया है अच्छे से। देखिए ये हमारा थेपला भी बनके तैयार है। अब जो पराठे हमने कटोरी के ऊपर रखा था उसे हमने नीचे कर दिया है। अब इसे हम ये ऊपर रखेंगे और ऐसे ही हमें सारे थेपले बना के तैयार करना है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लौकी के थेपले बनके तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छा थेपला बनके हमारा तैयार हुआ है। तो इसे आप अपने घर में ट्राई कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैंने जितना आटा लिया था उसमें करीब हमारा 15 थेपला बनके तैयार हुआ है। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो इसे आप पहले से ही बना के रख लीजिए और ये 4-5 दिन तक सही रहते हैं। तो साथ में अचार रखिए या दही के साथ खाइए। और मेरा ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मेरे नए नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं अगला रेसिपी लेके जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।